टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नो आज की इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 14 के क्वेश्चंस एंड उनके आंसर के अप्रोच को हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ऑफिशियल ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें जाकर वहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, आज का जो क्वेश्चन है हमारा उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का टॉपिक हम समझने की कोशिश करते हैं। द टॉपिक सेज सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया है, दैट इज रिगार्डिंग कम्युनलिज्म। नाउ द क्वेश्चन सेज कम्युनलिज्म वाज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। Discuss the evolution of communalism in India in light of the given statement. Explain how is it different now than that was it in the past. ठीक है, तो क्वेश्चन के आई होप आप समझ गए कि तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये बोलता है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो कम्युनलिज्म था वो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक इंट्रिंसिक कंपोनेंट था, मतलब काफी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में जहां पर हम डिफरेंट रिलीजन्स को अलग अलग तरीकों से देखते हैं, हिंदूज डिफरेंट, मुस्लिम्स डिफरेंट, राइट। तो इसे कहते हैं कम्युनल लाइंस, मतलब कम्युनलिज्म। ठीक है, सो कम्युनलिज्म का सीधा सा मतलब रिलीजन से रिलेटेड है, जो कि डिफरेंट रिलीजन को अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग तरीके से परसीव करता है। तो यही बोला जा रहा है कि जब हमारा भारत का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उस टाइम कम्युनलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक इंट्रिंसिक कंपोनेंट था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। पहली चीज तो हमें इसको प्रूव करना है। सेकंड चीज, क्वेश्चन का जो सेकंड डिमांड है वो कहता है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, ये एवोल्यूशन हमें समझाना है, राइट। एंड थर्ड जो कंपोनेंट है क्वेश्चन का वो ये कहता है कि हमें ये बताना है कि जो प्रेजेंट डे एवोल्यूशन है, जो प्रेजेंट डे कम्युनलिज्म है वो किस तरीके से डिफरेंट है जो पास्ट में कम्युनलिज्म हुआ करता था उससे। ठीक है, सो आई होप आप क्वेश्चन मेनली समझ गए। आई होप आप ये समझ गए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की मेन डिमांड्स क्या क्या है। ऑलराइट, अब देखो, अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बिगर कंसेप्ट को लेकर आना है, जो बिगर पिक्चर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उसको लेकर आना है। सो ये क्वेश्चन किसके बारे में है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कम्युनलिज्म, राइट। सो ये कम्युनलिज्म के रिगार्डिंग है। नाउ कम्युनलिज्म का अगर हम सीधे मतलब देखें तो रिलीजन से यू नो काइंड ऑफ डील करता है, मतलब अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनको अलग अलग तरीके से परसीव करना, ये इसका मेन मतलब है कम्युनलिज्म का, राइट। सो अगर आपको रिलीजन और कम्युनलिज्म को इंडिया के साथ कनेक्ट करना है तो क्या हम इंडियन डाइवर्सिटी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इंडियन डाइवर्सिटी। तो आप ये बता सकते हैं कि जो इंडिया है इट इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये है कि इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज जो है, अलग अलग रिलीजन की कम्युनिटीज जो है वो लोग साथ में रहते हैं, राइट। हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, राइट। एवरी सिंगल कम्युनिटी जो है वो इंडिया के अंदर रहती है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर सबके सब पीसफुली रहते हैं और सबके सब को एग्जिस्टेंस करते हैं। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ ही साथ सब सारे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ में टॉलरेंस शो करते हैं, मतलब हिंदूज मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, सिख जो है क्रिश्चियंस के लिए, राइट। हर एक कम्युनिटी एक दूसरे के लिए टॉलरेंस शो करती है। टॉलरेंस को सीधे शब्दों में समझे तो सीधा मतलब ये है कि जो मेरी रिलीजियस कम्युनिटी कह रही है, मतलब कि मान लो कि एक रिलीजियस कम्युनिटी है एक, जो भी ये कह रही है, ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए ए वाले जो मतलब ए वाले कम्युनिटी के जो फॉलोअर्स हैं वो बी की बातों को भी समझेंगे, मतलब बी जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी है उसकी बातों को भी समझेंगे, सी की बातों को भी समझेंगे, राइट। सो एक पर्टिकुलर जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो अपने साथ साथ में जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनकी बातों को भी समझता है, उनको भी प्रॉपरली एक्सेप्ट करता है। इसे कहते हैं टॉलरेंस का एक फीचर हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट है। अब देखो, आपने बहुत ही ओकेजनली कंसेप्ट सुने होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं जो कि कम्युनल लाइंस पे होते हैं, जो कि रिलीजन के नेम पर होते हैं। सो हमें अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये भी बताना है कि देखो ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ पर पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज का, बट हम कह सकते हैं कि कुछ ओकेजनल, कुछ मतलब कुछ टाइम्स पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं हमारे यहाँ पर, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हुए हैं डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी के बीच में, राइट। सो हम इस तरीके से बता सकते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें आंसर को कुछ इस तरीके से स्टार्ट कभी भी नहीं करना है जिसके थ्रू हम ये शो करें कि इंडिया के अंदर हमेशा ही जो रिलीजियस लाइन है उसके ऊपर दंगे होते रहते हैं, उसके ऊपर हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज ये सच नहीं है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसे हैं जिस टाइम हम लोग एक्चुअली साथ में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम्स और डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं वो सब एक साथ पीसफुली रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, कुछ ओकेजनल मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट उन ओकेजनल मोमेंट्स को कभी भी हम अपने आप को जनरलाइज करने को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जनरलाइज नहीं करना है कभी भी। सो अगर आप ब्रिटिशर्स का टाइम देखोगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम देखोगे, उस टाइम जो सबसे दो मेजर कम्युनिटीज थी देवर हिंदू एंड मुस्लिम्स, राइट। तो हिंदू एंड मुस्लिम भी काइंड ऑफ पीसफुली रहा करते थे इससे पहले में, बट प्रॉब्लम्स तब हुई जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं। उन्होंने अलग अलग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज करना स्टार्ट किया और उस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जो वेरियस कम्युनिटीज है उनको आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स वगैरह होनी स्टार्ट हो गई, राइट। तो ये तो हम इंट्रोडक्शन के अंदर बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बॉडी पार्ट। आपको याद होगा हमारा क्वेश्चन तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पार्ट जो है वो ये बोल रहा था कि आफ्टर ऑल इंडियन फ्रीडम, जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जो कम्युनलिज्म लाइन्स था, जो कम्युनल लाइन्स थी वो एक इंट्रिंसिक पार्ट था, राइट। यही बोलता है हमारा फर्स्ट लाइन कि इंट्रिंसिक पार्ट था। आफ्टर ऑल ये कैसे था, तो हमें ये समझाना है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से कम्युनलिज्म जो था वो एक इंट्रिंसिक पार्ट था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। तो देखो किस तरीके से आप बता सकते हो, आप बता सकते हो कि देखिए जो हमारा पहला फ्रीडम फाइट जो था, आप उसको 1857 रिवोल्ट ले सकते हैं, 1857 रिवोल्ट, ठीक है। देखो 1857 रिवोल्ट में सिंपल वर्ड्स में ये बोला जाता है कि ऑल्दो हिंदूज मुस्लिम्स जितने भी डिफरेंट सेक्शंस थे वो सब साथ में आकर काम करते हैं, राइट, अलग अलग तरीके से यूनिटी शो करते हैं, बट समझने वाली बात ये है कि हिंदूज जो है वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे और मुस्लिम्स अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। सो हम देख सकते हैं जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो स्टार्टिंग हुआ था काइंड ऑफ 1857 रिवोल्ट में, उसमें ऑल्दो हिंदू और मुस्लिम साथ में काम तो कर रहे थे बट दोनों के अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। दोनों का एक सिंगल नेशनलिस्टिक ऑब्जेक्टिव नहीं था, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था। ब्रिटिशर्स को भगाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, रादर हिंदूज का ऑब्जेक्टिव कुछ और था कि अपने लिए कुछ कंसेशंस लेने हैं और मुस्लिम का अपना कुछ था कि हमारे लिए खुद की जो कम्युनिटी है उनके लिए कुछ लेने हैं। सो आप देख सकते हैं हमारे राइट फ्रॉम द 1857 रिवोल्ट ही हमारा जो कम्युनलिज्म का कंसेप्ट है वो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था, ठीक है। सो आई होप आप पहला पॉइंट समझ गया। सेकंड चीज देखो, अगर आप देखोगे कि बहुत सारे हमारे जो 1905 1906 के आसपास में जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं वो रिलीजियस लाइन्स पे स्टार्ट किए गए थे। रिलीज लाइंस पे देखो किस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर आप बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, तिलक जो थे उन्होंने गणेश उत्सव स्टार्ट किया था। गणेश उत्सव, तो गणेश उत्सव जो काइंड ऑफ वो हिंदुइज्म को डिनोट करता है, राइट, हिंदुइज्म को डिनोट करता है। तो इसके अंदर मेनली सिर्फ हिंदूज ने पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम्स यहाँ से काफ़ी एलिनिएट हो गए, काफ़ी दूर हो गए। अगर आप गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी को पता था कि मुझे अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो मुझे हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर आना होगा, लेकिन वो मुस्लिम को अग्री नहीं करा पाए डायरेक्टली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर आने के लिए, अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो गांधी जी को यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट का सहारा लेना पड़ा। खिलाफत मूवमेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक रिलीजियस लाइन की मूवमेंट का सहारा लेना पड़ा ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो लोग भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इंक्लूड हो। तो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंक्लूड कराने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और गणेश उत्सव यानी कि रिलीजियस लाइन्स का यहाँ पर सहारा लेना पड़ा ताकि जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो लोग साथ में आए। तो ये भी शो करता है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर कम्युनलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो मासेस हैं, जो पीपल हैं, पीपल को मोबिलाइज करने के लिए, साथ लेकर आने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस किए गए थे। अलग अलग प्रैक्टिसेस ऐसे थे जो कि अलग अलग कल्चर के साथ काइंड ऑफ कनेक्टेड थे। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने एक शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया। शिवाजी फेस्टिवल एम क्या था, एम था कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठाज हैं, मराठा लोग जो है उनके अंदर फिर से अपनी लॉस्ट ग्लोरी का जो वैल्यू है वो फिर से आए और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट करें, राइट। तो देखो तिलक ने इस तरीके से स्टार्ट किया। फिर 1905 में जो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं वो जाकर गंगा में स्नान करो, गंगा में वेद करो। तो गंगा जो है वो हिंदुइज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट इस्लाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो वंस अगेन कम्युनल लाइन्स पे यहाँ पर वर्ड यूज किया गया। वंस अगेन पार्टीशन ऑफ बंगाल में राखी जो था, राखी को एक यूनिटी शो करने के लिए, फैक्टर शो करने के लिए राखी का फेस्टिवल मनाया गया, राइट। वंस अगेन एक हिंदुइज्म का फैक्टर मनाया गया, राइट। फिर से काइंड ऑफ एक कम्युनल लाइन का सहारा लिया गया, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग टाइम्स में अपने कम्युनल लाइन्स को यूज़ किया है, मतलब रिलीजियस लाइन्स को यूज़ किया है ताकि मासेस को मोबिलाइज किया जा सके, रिलीजन को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना के लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सके, रिवोल्ट किया जा सके हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे, जो रेवोल्यूशनरीज जब अपने फ्रीडम स्ट्रगल में ओथ लेते थे तो ओथ किस तरीके से लेते थे, वो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम पे ओथ लेते थे, राइट। वो फायर के सामने आकर ओथ लेते थे, फायर जो है हिंदुइज्म का प्रतीक है, राइट। सिमिलरली जो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे वो लोग अपने जो मुस्लिम के जो लीडर्स होते हैं, प्रॉफिट हैं, कुरान है, इन सब का ओथ लेते थे। तो वंस अगेन जो रिलीजियस लाइन्स है उनका यूज हो रहा है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहा है वो एक्चुअली फुल ऑफ कम्युनल लाइन्स रहा है। ऑल्दो हमने उसको विजिबल बनाने की कोशिश नहीं है, हमने कोशिश की है कि ऑब्वियसली वो विजिबल ना हो, राइट, एक प्रॉपर यूनिटी का फैक्टर बना रहे हैं, बट स्टिल हमें ये चीज़ तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करना होगा कि कम्युनलिज्म जो है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो उसने उसको प्ले किया है, राइट। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो अलग अलग लीडर्स थे, जो हिंदू लीडर्स थे वो लोग काइंड ऑफ हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे, मुस्लिम लीडर्स काइंड ऑफ इस्लाम को प्रमोट करते थे, राइट। मुस्लिम लीडर्स बोलते थे कि आपको जो भी डिफरेंट इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज काइंड ऑफ हिंदुइज्म जो है वो यहाँ पर प्रमोट हो रहा है, राइट। अगर आप बात करेंगे कि जो लेटर ऑन टाइम्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग के बीच में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है, तो मुस्लिम लीग इसको एक्चुअली एज अ पार्टी डिफीट एक्सेप्ट नहीं करती है, वो लोग ये सोचते हैं कि हम हिंदुइज्म से हार गए, राइट, और यहाँ पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो कम्युनलिज्म का कंसेप्ट है, जो रिलीजन का कंसेप्ट है, वो एक्चुअली हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरह रहा है, राइट। हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरह डेवलप हुआ है ओवर द टाइम, राइट। तो इन सब चीज़ों के थ्रू एक्चुअली आप शो कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो एक कम्युनिटी के लीडर्स थे वो सेकंड कम्युनिटी के लीडर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, राइट। सो कम्युनल जो लाइंस हैं वो हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस की तरह रही हैं, वो शो करती हैं कि हम एक्चुअली रिलीजियस लाइन को कभी भी भूले ही नहीं थे, राइट। सो रिलीजन जो था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, राइट। तो ये तो आई होप आप समझ गए कि एग्जैक्टली किस तरीके से जो कम्युनलिज्म था वो एक्चुअली एक इनहेरेंट पार्ट था हमारे जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसका, राइट। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि देखो जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी उनके अलग अलग इंटरेस्ट थे, हर एक कम्युनिटी अपने अपने खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, कोई भी एक दूसरे की कम्युनिटीज़ को ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुस्लिम्स को अगर आप देखेंगे, मुस्लिम इस बात से खुश हो रहे थे कि हिंदू को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सिमिलरली हिंदू इस बात से खुश हो रहे थे कि मुस्लिम को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, राइट। सो काइंड ऑफ एक रिलीजियस हार्मनी नहीं थी यहाँ पर, हमारा जो रिलीजियस पीस का जो कंसेप्ट था वो नहीं था, रादर एक टाइम का रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कंपटीशन का यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा था। इसीलिए शो होता है कि जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर कम्युनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंट्रिंसिक था, मतलब हमारे कम्युनिटी के अंदर काफ़ी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो इसके थ्रू हमारा जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो क्लियर होता है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सो आपको याद होगा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है कि कम्युनलिज्म का एवोल्यूशन हमें समझाना है, व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। सो हमें ये समझाना है कि एग्जैक्टली आफ्टर ऑल किस तरीके से ये इवॉल्व होता है। तो देखो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो कम्युनलिज्म था वो सेम नहीं रहा, पहली चीज़ तो इवॉल्व हुआ है, ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है, लगातार ही चेंज हुआ है। तो एवोल्यूशन जो है आप उसको बता सकते हैं कि तीन डिफरेंट फेजेस में हुआ है। जो पहला फेजेस था वो आप ये बोल सकते हो कि देखो जो पहला फेज था वो काइंड ऑफ कम्युनल लाइंस को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता था, मतलब सिंपल वर्ड्स में देखो कि अलग अलग रिलीजन है तो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, राइट। अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस है तो सिंपल वर्ड्स में जो हिंदूज हैं वो अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, सिख अपने को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सब अपने अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जो पहला जो स्टेज था हमारे कम्युनलिज्म का वो काफ़ी पीसफुल एरिया था, मतलब पीसफुल वाला टाइम था जहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, सब अपने अपने स्फीयर में खुश रहते थे, राइट। फिर सेकेंड कम्युनलिज्म का जो टाइम आया कि हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स आए जहाँ पर एक रिलीजन ने सेकेंड रिलीजन के मैटर्स में दखल देना स्टार्ट कर दिया, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, बट नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट एटलीस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, सेकेंड फेज। एंड थर्ड फेज आप समझ सकते हो जब एक रिलीजन जो है सेकेंड रिलीजन के बिल्कुल अपोजिट होना स्टार्ट हो गया, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में हुआ था, राइट। हिंदूज ने और मुस्लिम्स ने ये डिवाइड किया कि जहाँ पर हिंदूज रह रहे हैं वहाँ मुस्लिम्स नहीं रहेंगे, जहाँ मुस्लिम्स रह रहे हैं वहाँ पर हिंदूज नहीं रहेंगे। तो ये जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाली बात थी वो हमारी यहाँ पर काइंड ऑफ गलत साबित होने लगी, राइट। सो इस तरीके से आप अपने जो आंसर के अंदर एवोल्यूशन को समझा सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारा जो कम्युनलिज्म है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो देखो अगर हमें कुछ कीवर्ड्स यूज करने हो तो आप ये बोल सकते हो कि जो पहला फेज था जहां पर कंपैरेटिवली उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, इसे आप कम्युनल कॉन्शियसनेस का फेज कह सकते हो। कॉन्शियसनेस मतलब सबको कम्युनिज्म के बारे में पता चल गया था, मतलब लोगों को रिलीजन के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल गया था, लेकिन उतने ज़्यादा डिवाइड्स नहीं थे, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जब थोड़े थोड़े चेंजेस आने स्टार्ट हुए, जब हर एक रिलीजन ने अपने रिलीजन को सुप्रीम बताना स्टार्ट किया, तो क्या हम इसे लिबरल जो है यहाँ पे कम्युनलिज्म बोल सकते हैं। सो लिबरल कम्युनलिज्म का मतलब है कि हर एक रिलीजन अपने खुद के इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रमोट करना स्टार्ट करता है, राइट। एंड थर्ड जो फेज है जहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं उसे हम कह सकते हैं एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, एक्सट्रीम जहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो देखो अभी हमें एवोल्यूशन को समझना है, तो एवोल्यूशन को हम कोशिश करते हैं फेज वाइज समझने की। जो हमने तीन फेजेस अभी डिसाइड किए उसी फेजेस के थ्रू हम सबसे पहले कम्युनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला फेज क्या था? पहला फेज जो था दैट इज कॉल्ड एज कम्युनल कॉन्शियसनेस का फेज, है ना, कम्युनल कॉन्शियसनेस का फेज। चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा कम्युनलिज्म का कंसेप्ट इवॉल्व होगा, जब आगे बढ़ेगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं। ब्रिटिशर्स जो है वो एक्चुअली कम्युनलिज्म के आग के अंदर घी डालने का काम करते हैं काइंड ऑफ। हिंदूज को मुस्लिम के अगेंस्ट और मुस्लिम को हिंदू के अगेंस्ट जो फाइट कराने का जो मेन कॉजेस थे, जो कॉजेस पहले हिंदू और मुस्लिम के पास नहीं थे, वो कॉजेस किसने प्रोवाइड किए? ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड किए, राइट। देखो पॉलिटिकल लाइन्स में, सोशल लाइन में, इकोनॉमिक लाइन में, इन सब लाइन्स को एक्सप्लॉइट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। कैसे एक्सप्लॉइट किया गया? देखो जैसे मुस्लिम्स को ये बताया गया कि पॉलिटिकली सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो है उनको बेनिफिट मिल रहा है, तुम्हें तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसके कारण मुस्लिम और हिंदू के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि हाँ सच में हमें पॉलिटिक्स में बेनिफिट नहीं मिल रहा। सोसाइटी में सिमिलर चीज़, ब्रिटिशर्स ने फिर से बताया कि हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मुस्लिम, तो कल को अगर यू नो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को रीजनलाइजेशन करना है तो हिंदूज ज़्यादा रहेंगे, हिंदूज मेजोरिटी में रहेंगे, तो हिंदू सारे के सारे डिसीजन लेंगे। तो वंस अगेन मुस्लिम को बोला कि हाँ ठीक है, हम हिंदूज के साथ कैसे रह सकते हैं, हम हिंदू के अगेंस्ट रहेंगे। और सेम चीज़ इकोनॉमिक स्फीयर में, ब्रिटिशर्स ने फिर से मुस्लिम्स को बताया कि हिंदू जो है ज़्यादा रिच है एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स, तो फिर से मुस्लिम को लगा कि हाँ यार हम तो बहुत वो है, पुअर है, बहुत गरीब हैं। तो देख रहे हो आप जो फैक्टर्स पहले से ही चलते आ रहे थे उसको ही एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने प्रॉब्लमेटिक तरीके से बताया, और जब तक एक अलग अलग तरीकों से बताया तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हिंदू और मुस्लिम के बीच में स्टार्ट हो गई। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंडियन नेशनलिज्म का कंसेप्ट था उसको और हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये बोलना स्टार्ट किया कि कम्युनलिज्म जो बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल का जो मेन एम है वो हिंदूज के लिए डिफरेंट है, मुस्लिम्स के लिए डिफरेंट है। मतलब आप देख सकते हैं, देखो बेसिकली हिंदू जो क्लास थी, हिंदुइज्म की जो क्लास थी वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही थी, बिकॉज आप देखोगे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज, एनलाइटेंड इंडियंस, वो सब हिंदुइज्म क्लास से आ रहे थे, राइट। ऐसा नहीं कि मुस्लिम से नहीं आ रहे थे, बट मेजॉरिटी जो थे वो हिंदुइज्म से आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम को काइंड ऑफ उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक टूल की तरह यूज़ करना स्टार्ट किया कि हम हिंदुइज्म को इससे फाइट करेंगे। सो उन्होंने मुस्लिम वर्सेस हिंदुइज्म का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने अपलिफ्ट करना स्टार्ट किया जो कि मुस्लिम्स में थे, उन्होंने राइट उसको मतलब एक एनलाइटनमेंट काइंड ऑफ इंडियन की तरह, राइट इस तरीके से उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो पहला फैक्टर तो ये होगा कि ब्रिटिशर्स ने काइंड ऑफ आग में घी डालने का काम किया पहला फेज में, ठीक है। सेकेंड, इसी चीज़ के अंदर आप ये बोल सकते हो कि देखो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम्स को मेन कॉन्स्पिरेटर्स मान रहे थे, मतलब कि मुस्लिम्स ने सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी की है। तो बेसिकली मुस्लिम्स को लोग फो मानते थे, मतलब दुश्मन की तरह मानते थे। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम्स ने क्या किया, अपीजमेंट की पॉलिसी, रिकंसिलेशन की पॉलिसी, इसके थ्रू ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि हाँ ठीक है, मुस्लिम्स को हम हिंदू के अगेंस्ट फाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स को एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने अपना फ्रेंड्स बना लिया। वंस अगेन जो कम्युनल कॉन्शियसनेस का टाइम था वो एक्चुअली मुस्लिम्स के अंदर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उनको बताया कि हाँ भाई कि आपको और भी राइट्स मिलने चाहिए, और जो भी राइट्स वगैरह मिलने चाहिए वो राइट्स आपको और ज़्यादा मिलेंगे तभी जब आप हिंदूज के अगेंस्ट काम करोगे, राइट। तो इस तरीके से जो कम्युनल टेंशंस थे उसको इंक्रीज करने का काम किया ब्रिटिशर्स ने, राइट। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। फिर इस पर्टिकुलर फेज में थर्ड पॉइंट आता है जब बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि कम्युनल लाइन्स को किस तरीके से प्रमोट करना है। जैसे सर सैयद अहमद खान आते हैं, वो बोलते हैं कि जितने मुस्लिम्स हैं वो लोग पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। जब पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, क्यों दूर रहेंगे? बिकॉज हिंदूज ने अपनी मेजोरिटी बना ली है, हिंदू हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिन लीडर्स की अप्रोच जो रीच बहुत ज़्यादा थी उनकी बातों को लोग सुनने लगे, उसके कारण भी काइंड ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम्स जो थी वो स्टार्ट होने लगी, राइट। कम्युनल जो कॉन्शियसनेस है वो लोगों के अंदर आने लगी। इसके अलावा एक ग्लोरी का कंसेप्ट आता है। सो ग्लोरी के कंसेप्ट में देखो क्या था कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम ये बोलते हैं कि मिडिवल एरा में तो सारे के सारे रूलर्स जो थे वो मुस्लिम रूलर्स ही थे, तो मुस्लिम रूलर्स ने सारे के सारे लैंड पे एक्चुअली राज किया है। तो अगर इस सारे लैंड पे मुस्लिम्स ने राज किया है, सो आफ्टर ऑल जब हिंदूज आ गए तो हिंदूज ने इसे अपना काइंड ऑफ छीन लिया हमसे, राइट, ये बोला। बट बदले में हिंदूज का बोलना ये है कि एक्चुअली मुस्लिम रूलर्स से पहले हम ही लोग यहाँ पर रहा करते थे, और हमारे जो कल्चर था, हमारी जो कम्युनिटी थी, हमारी जो सोसाइटी थी, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया मुस्लिम रूलर्स ने, राइट। तो इस तरीके से दोनों के बीच में काइंड ऑफ फिर से कम्युनल कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, उस अलग अलग लाइन ऑफ थिंकिंग के कारण जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने एक्चुअली इसको एक्सप्लॉइट किया और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स थी उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ये था हमारा पहला फेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेज टू के बारे में। फेज टू हमने बात की थी लिबरल कम्युनिज्म का कंसेप्ट है। तो लिबरल कम्युनिज्म में देखो आप समझ सकते हो कि अलग अलग ऐसे बॉडीज बनती है, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं बोथ हिंदूज में भी और मुस्लिम्स में भी, जो कि एक्चुअली कम्युनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। जैसे कि देखो 1906 में मुस्लिम लीग बनता है, ठीक है, मुस्लिम लीग, आगा खान, सलीमुल्ला खान, राइट, एहसान उल मुल्क, ये लोग साथ में मिलकर एक मुस्लिम लीग नाम का एक बॉडी फॉर्म करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, हिंदूज के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। वंस अगेन कम्युनल लाइन्स यहाँ पर आने लगी हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके अंदर। फिर देन केम एक टाइम 1909 जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट किसने प्रोवाइड किया? ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड किया। क्यों प्रोवाइड किया? ताकि बेसिकली मुस्लिम्स को हिंदू से अलग किया जा सके। सेपरेट इलेक्टोरेट का सीधा सा मतलब था कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे इलेक्शन के अंदर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं, राइट, कोई और वोट नहीं कर सकता। द पॉइंट इज इनको अलग से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा ताकि हिंदू जो है मुस्लिम के और दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, राइट। सिमिलरली 1916 में एक लखनऊ पैक्ट आता है। लखनऊ पैक्ट एक ऐसा पैक्ट था जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में मिलकर साथ आती है और बोलती है कि ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिम्स को जो है वो एक माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा और माइनॉरिटीज़ को एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हर एक प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, राइट। सो यहाँ पर देखो 1916 में कांग्रेस के द्वारा एक ब्लंडर हुआ था जिसके तहत उन्होंने पहली बार मुस्लिम्स का एक अलग रिलीजन होना मान लिया, एक अलग फैक्टर होना मान लिया, एक काइंड ऑफ एक माइनॉरिटी रिलीजन होना मान लिया, राइट। तो ये सब चीज़ें एक ऐसे टाइम्स थी जहाँ पर शो होते हैं कि लिबरल जो कम्युनलिज्म था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। मतलब लिबरलिज्म तो बढ़ रहा था, देखो जैसे देख लो मुस्लिम्स की डिमांड को अपलिफ्ट करने के लिए मुस्लिम लीग बनता है, सेपरेट इलेक्टोरेट आता है जिसके थ्रू उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लखनऊ पैक्ट के थ्रू भी उनको काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, राइट। तो इन सब फेजेस के थ्रू एक्चुअली जो ये जो कम्युनलिज्म का फैक्टर था वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा, राइट। अब आता है फेज 3। फेज 3 का आपको याद होगा नाम, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, ठीक है, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। सो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म के अंदर क्या होता है, देखो अगर आप एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की बात करोगे तो सबसे बड़ी फैक्टर आती है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग का जो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में मुस्लिम लीग हार जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि ये हार जो है वो सिर्फ एक पार्टी की डिफीट नहीं है, रादर पूरे के पूरे रिलीजन की डिफीट है। तो मुस्लिम लीग यहाँ पर पाकिस्तान यानी कि एक डिफरेंट कंट्री की डिमांड करना स्टार्ट कर देती है। मुस्लिम लीग बोलती है कि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रहेंगे तो हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस है वही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, आगे जाकर अपने जो कंट्री के असेंबलीज वगैरह बनेंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेंगे उसके अंदर, राइट। तो हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उसके कारण जो वायलेंट क्लैशेस है, राइट्स हैं, दंगे हैं, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कारण देखो इसको रोकने के बहुत सारे अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग तरीके लाए जाते हैं, बट ये चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उसके कारण कम्युनलिज्म जो है ऑलमोस्ट एक्सट्रीम फेज पे तब पहुंच जाता है जब 1947 के अंदर इंडिया जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो डिवीजन था इट वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन रिलीजन, सिंपल वर्ड्स में कम्युनलिज्म, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। यही था हमारा एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का एक्चुअली एंड पॉइंट, जिसके थ्रू हमारा ऑलमोस्ट जितने भी देखो 1947 से पहले जितने भी अलग अलग प्रयास किए गए थे हिंदू और मुस्लिम को साथ रखने का, भले क्रिप्स मिशन हो, वेवल प्लान हो, राइट, कैबिनेट मिशन हो, सब के सब काइंड ऑफ कोई ना कोई इसको रिजेक्ट कर दे रहा था। मुस्लिम लीग से इसको रिजेक्ट कर दे रही थी बिकॉज इसके अंदर पार्टीशन की बात नहीं थी, पाकिस्तान की बात नहीं थी, और उसके थ्रू प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक्सट्रीमिटीज़ आती है कम्युनलिज्म के अंदर, राइट्स होते हैं। आप जानते हैं कि 1947 के अंदर जब पावर ट्रांसफर हुआ था और उसके बाद जो माइग्रेशन हुआ था लोगों का इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में, उसमें कितने ही हजारों लोग मारे गए थे, कितने ही यहाँ पर वायलेंट क्राइम्स हुए थे, एट्रॉसिटीज हुए थे, राइट। तो इन सब के कारण जो कम्युनल लाइंस था वो काइंड ऑफ अपने पीक पर पहुंच जाता है एक्सट्रीमिटीज में 1947 के आसपास में, ठीक है। सो आई होप आप यहाँ पर एवोल्यूशन समझ गए पूरी तरीके से। इसके थ्रू हमने 3 डिफरेंट स्टेजेस में कम्युनलिज्म का जो एवोल्यूशन था उसको समझने की कोशिश की, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन का 3rd पार्ट था, 3rd पार्ट क्या था। 3rd पार्ट में बोलता है कि हाउ इज कम्युनलिज्म डिफरेंट टुडे, मतलब आज के टाइम्स में किस तरीके से डिफरेंट है देन पास्ट, मतलब पास्ट में जिस तरीके का हमारा कम्युनलिज्म था, जो कम्युनल लाइंस को यूज किया जाता था, उससे किस तरीके से डिफरेंट है आज के टाइम्स में। तो देखो इसको समझो, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप प्रेजेंट डे में देखोगे तो कम्युनलिज्म जो रिलीजियस लाइन है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम में रिलीजन जो था वो काइंड ऑफ एक सोशल स्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो अभी भी है, बट पहले रिलीजियस स्फेयर जो था वो प्रोटेस्ट, जो राइट्स, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप देखो तो कम्युनल लाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वोट मोबिलाइजेशन, मतलब कि कम्युनल लाइंस को यूज़ करके जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो लोग अपने इलेक्शन में वोट्स लेने की कोशिश करते हैं, अपने आप को और ज़्यादा काइंड ऑफ स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, राइट। तो अभी के टाइम में क्या है, कम्युनल लाइंस काइंड ऑफ एक वोट पॉलिटिक्स का पार्ट बन के रह गया है, राइट, जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, रिलीजन को जो पॉलिटिकल पार्टी है एक्सप्लॉइट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, कि हम आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, आपको हम ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से, राइट। अब देखिए अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि कम्युनल लाइंस के ऊपर लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे एंटी काउ किलिंग कैंपेन, राइट, एंटी काउ किलिंग कैंपेन, ठीक है। फिर आप जानते हो कि एंटी काउ किलिंग कैंपेन के अलावा जो अजान का जो इशू आया था, राइट, उसके थ्रू भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी जब लाउड स्पीकर पर अजान को चलाना बंद कर दिया गया था, राइट। तो इस तरीके से ये शो करता है कि ये राइट्स, प्रोटेस्ट, यू नो, वायलेंस, फिर आप लव जिहाद का नाम जानते हैं, लव जिहाद का प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड है, हेट स्पीच, राइट। तो ये सब चीज़ें शो करती हैं कि प्रेजेंट डे में जो कम्युनलिज्म का जो स्फीयर है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो गया है। पहले के टाइम में कम्युनलिज्म सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस स्फीयर तक ही लिमिटेड था, बट अभी के टाइम में देखिए कम्युनलिज्म कितने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, कितने अलग अलग पार्ट्स के तक पहुंच चुका है कम्युनलिज्म एक्चुअली। और यहाँ तक कि अगर आप देखोगे कि देखो जैसे अगर हेट स्पीच का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हेट स्पीच को देखिए, पहले के टाइम में भी हेट स्पीच होती थी, पहले के टाइम में भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है कुछ लोगों को यू नो काइंड ऑफ डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश कर रहा है, उनको अलग तरीके से गलत तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, डिसमोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बट वो लिमिटेड होता था, मतलब कुछ ही लोगों तक होता था, उनको एग्जैक्ट उनको काइंड ऑफ पिन पॉइंट किया जा सकता था। बट अभी के टाइम में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये हेट स्पीच का जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आप जानते हैं कि आईसिस जो इस्लामिक स्टेट का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग केरला से मतलब बहुत सारी न्यूज़ आई कि केरला से उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को रिक्रूट किया है, राइट। सो किस तरीके से किया है ये भी उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू किया है, राइट। तो ये शो करता है कि अभी के टाइम में जो भी कम्युनल लाइंस पे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, ऑल्दो पहले के टाइम में होती थी बट वो काफ़ी लिमिटेड होती थी, अभी उनकी रीच जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। काफ़ी वाइड सेंस में अभी के टाइम में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो लोग कम्युनल लाइंस के ऊपर लोगों को काइंड ऑफ डिवाइड कर दे रहे हैं, लोगों के बीच में दंगे क्रिएट करा रहे हैं, लोगों के बीच में प्रोटेस्ट क्रिएट करा रहे हैं, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो प्रेजेंट डे कम्युनलिज्म है वो किस तरीके से पास्ट से डिफरेंट है, राइट। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि प्रेजेंट डे सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में कमेंसलिज्म नहीं है, मतलब यूनिटी का फैक्टर नहीं है। यूनिटी का फैक्टर ना होने के कारण भी जब भी कोई छोटा सा भी बात आता है तो रिलीजन लाइन पे लोग डिवाइड हो जाते हैं। देखो मान लो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, उस सोसाइटी में मान लो कि मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं, रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3, रिलीजन 4, ठीक है। जस्ट सपोज कि चारों के अंदर यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो कोई भी उनको अगर डिवाइड करने की कोशिश करेगा तब भी ये लोग डिवाइड नहीं होंगे, बिकॉज दे ऑल नो ईच अदर। उन्हें पता है कि कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या सच है, क्या झूठ है, राइट। लेकिन मान लेते हैं कि इनके अंदर यूनिटी फैक्टर नहीं है, डिसयूनिटी है, ठीक है। एक दूसरे के साथ ये लोग नहीं रहते हैं, भले ही साथ रहते हैं लेकिन मतलब यू नो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करने को रेडी नहीं है। तो अब अगर थोड़ी सी भी अगर मैं यहाँ पर चिंगारी लगाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा भी अगर किसी को गलत न्यूज़ बता देंगे तो एक कम्युनिटी सेकंड कम्युनिटी के अगेंस्ट भड़क जाएगी, राइट। उसके कारण यहाँ पे प्रोटेस्ट, दंगे, वायलेंस ये सब क्रिएट हो जाएगा, राइट। जो पहले कम्युनल यूनिटी जो हुआ करती थी उसके कारण लोगों को डिवाइड करना थोड़ा सा टफ था, कंपेरेटिवली टफ था। बट अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो कम्युनिटी का जो यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, राइट। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट और जो वायलेंसेस है वो बहुत इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें काइंड ऑफ डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि आफ्टरऑल पहले का जो कम्युनलिज्म था और अभी का जो कम्युनलिज्म है उनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, राइट। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए। देखिए हमने क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को डिवाइड किया, हमने क्वेश्चन के तीनों पार्ट को डिस्कस किया। आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि देखो बिकॉज ये 10 मार्कर है तो इस पर्टिकुलर आंसर को लिखते समय आपको क्या करना है कि तीनों पार्ट को ऑब्वियसली एड्रेस करना तो इंपॉर्टेंट है, बट कोशिश करना है कि हर एक के अंदर मैक्सिमम तीन ही पॉइंट्स हो, तो आपके पास टोटल 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड 9 पॉइंट जो है ईजिली आपके पास 10 मार्कर यानी कि 150 वर्ड के लिए ईजिली सफिशियंट हो जाएंगे, उतना आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो फाइनली जब आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है, एंड करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यू कैन से कि देखो और जो रिलीजन है, जो डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है इंडिया के अंदर वो तो काफ़ी दिनों से है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि रिलीजियस डाइवर्सिटी पहली बार आई। अगर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी पहली बार मतलब बहुत दिनों से हैं, और यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं अपने एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में, कि दोनों ही रिलीजन एक दूसरे के लिए टॉलरेंस शो करती थी, एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस करती थी। तो अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी जो इश्यूज हैं, जो एक्चुअली रिलीजियस अलग अलग रिलीजन्स को एक दूसरे के साथ ना रहने के लिए काइंड ऑफ फोर्स कर रही हैं, काइंड ऑफ इंसिस्ट कर रही हैं, उन सारे के सारे फैक्टर्स को हमें हटाना होगा। उन फैक्टर्स को हटाना होगा, हमें बेसिकली सेकुलर वैल्यूज को यहाँ पर काइंड ऑफ प्रमोट करना होगा, राइट। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जितने भी रिलीजन्स हैं हमको सबको इक्वली प्रमोट करना होगा। जैसे इंडिया का जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, राइट, उसको प्रमोट करना होगा। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरीके से एक मॉरल प्रिंसिपल्स दिए हैं रिलीजन को अपलिफ्ट करने के लिए, हर एक रिलीजन को अपलिफ्ट करने के लिए, उस चीज़ को फॉलो करना होगा, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप लोगों के बीच में टॉलरेंस की वैल्यू को इंक्रीज कराइए, एक दूसरे को एक यू नो क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताइए, क्रॉस रिलीजन डाइवर्सिटी के बारे में बताइए, एक दूसरे को उनकी वैल्यू के बारे में समझाइए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक ह्यूमन को दूसरे पर्सन को एक ह्यूमन की तरह देखना चाहिए, ना कि एक हिंदू को अपने दूसरे पर्सन को मुस्लिम की तरह या फिर किसी दूसरे रिलीजन की तरह देखना चाहिए, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक पर्सन एक दूसरे को ह्यूमन बींग्स की तरह देखें, देन ये जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, बिकॉज रिलीजन जो है वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन? इसका मतलब है कि ह्यूमंस ने इसे बनाया है, हमने खुद इसे बनाया है। सो अगर हमने खुद इसे बनाया है तो इस पर्टिकुलर लाइन पे डिवाइड होने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।